अगर आप ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पाता या अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये तो बहुत गंभीर बात है, है ना इसका आपने ऊपर कहीं आला कमान में अपने नेतृत्व कहना था उनको बताया बताया तो है, है और, और ये भी बताया कि इस सिस्टम ऐसा डेवलप वापस करना चाहिए कार्यकर्ता अपनी बात कह सके मुगलों से और इस तरह का स्टेटमेंट आया स्टेटमेंट कहीं नहीं स्टेटमेंट देता ही नहीं हूँ ना तो काम का देता हूँ ना ना किसी के विरोध में देता हूँ बात रखने का एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख दे उसके बाद में पार्टी निर्णय लेती है लेती है तो उसको रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि आप अपना फर्ज का निर्वहन कर सके कह रहे हैं कि हमारी पुरानी अदावत थी जब वो कांग्रेस में थे वो पार्टी का अगेंस्ट में जाए ऐसा तो नहीं सोच सकता चंद्रबान जी और दूसरे का, दूसरे कार्यकर्ता उनको तो डेफिनेटली फील तो होता ही है आवेश में कुछ तोड़ कर दी कहीं कोई टायर जला दिया कहीं कुछ कर दिया लेकिन पार्टी कार्यालय तो फंक्शनल होना चाहिए ना तो आप पॉइंट आउट तो कर सकते हो और भाई आप तो उस गांव के हो यार वो तो वहाँ है जो नए नए जुड़े हैं वो आवेश में ज़्यादा कह जाएंगे हम तो कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं कैडर ऐसे ही थोड़ी बन जाता है बहुत बहुत मेहनत करने के बाद बनता है पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग में अगर कमी है तो सामने आ जाएगी सनातनी है तो सनातनी के हिसाब से जो करना चाहिए वो करके जाऊंगा राजस्थान में चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है टिकटों का ऐलान हो रहा है और कई नेता हैं उनकी सीट बदली गई है इस परिपेक्ष में पूरे राजस्थान के अंदर जो कुछ माहौल है उनकी खुद की टिकट को लेकर क्या कुछ हाल है आने वाला दौर किस रूप में होगा और आज जब हम बात कर रहे हैं तो भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है उनके दामाद नरपत सिंह राजवी हमारे साथ पंजाब केसरी पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं नरपत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के धन्यवाद धन्यवाद पहला सवाल तो मेरा हालांकि भैरो सिंह जी से जुड़ा हुआ मैं करना चाहता हूँ किस तरह की यादें हैं आपके मन में अब लगभग चालीस इकतालीस साल उनके साथ ही रहा हूँ उनके हार्ट की बीमारी होने के बाद तो बहुत कुछ सीखा है बहुत यादें हैं उसको थोड़े से मैं स्क्वीज करके बताना तो संभव नहीं होगा प्रशासनिक कंट्रोल uh, कैसे हो सूचनाएं कैसे एक्यूमुलेट uh, की जाए इकट्ठी की जाए लेबोरियस uh, होना चाहिए पढ़ना पूरा चाहिए और साथ के साथ ईमानदारी से अपने फर्ज का निर्वहन करना चाहिए ये मैंने सीखा है और ड्राफ्टिंग आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि न केवल इन विधायकों में बाकी uh, जितना भी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं उनमें भी आ, मेरी जो नोटिंग जाती थी तो उनको आ, थोड़ा कॉफ तो रहता था <laughs> बहुत पर्टिकुलर आपकी ड्राफ्टिंग उस रूप में थी और चीज़ों को लेकर दोनों चीज़ें जब ईमानदारी से काम करना है जो रिकॉर्ड है तो उसको रिकॉर्ड को रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि आप अपना फर्ज का निर्वहन कर सकें चुनाव का माहौल है आपकी टिकट बदली है आपका क्षेत्र विद्याधर नगर अब आप चित्तौड़ के अंदर जाएंगे वहाँ भी पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं तो पहला तो आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे बदलाव पर बदलाव हमेशा बेटरमेंट के लिए होता है और होना भी चाहिए लेकिन जब मेरे को पहली बार 85 में मैं ट्राई कर रहा था तब जगह खाली नहीं थी फिर आमेर सीट से दो सीटों से शेखावत साहब लड़ते थे एक पे जहाँ पे पार्टी का विस्तार करना है एक जहाँ कॉन्फिडेंटली जीत जाए तो धौलपुर रखा था और आमेर से रिज़ाइन किया था तब कोशिश की थी तो उस समय लास्ट डे कहा था कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बात करूं मैंने कहा अब लास्ट डे है इतनी जल्दी तो होगा नहीं फिर उन्होंने कहा कि शेखाव साहब ने कहा पापा ने कहा कि पहले मेरी इच्छा है मेरा आज तक का ये लीनिंग रही है कि पहले पार्टी का, का काम किया जाए और पार्टी का, का काम आप करेंगे उसके बाद में टिकट के बारे में सोचेंगे मैंने काम किया जनता दल दिग्विजय वी पी सिंह जी ने सपोर्ट जब विड्रॉ की अडवाणी जी की राम रथ यात्रा के समय तो जनता दल दिग्विजय बनाया तो उससे पुरस्कृत करके मेरे को पार्टी महामंत्री बनाया और उससे आगे फिर 93 में चुनाव हुए विजय सिंह जी झाला वहाँ से चित्तौड़ से लड़े हुए थे वो उनकी डेथ हो गई थी तो वो सीट खाली थी इसलिए वहाँ से दी है चॉइस तब भी मेरी नहीं थी क्योंकि चित्तौड़ में से मैं वाकिफ नहीं था चित्तौड़ में मैंने खूब काम किया है इन तीन वर्षों में यहाँ विद्याधर नगर नई सीट थी इस पर भी खूब काम किया है तो जहाँ पर कोई भी विधायक या राजनेता काम करता है वो सारा आपके मैनिफेस्टो के हिसाब से और लोकल नीड्स के हिसाब से काम करके और उसको डेवलप करता है जैसे ड्रिंकिंग वाटर आदि कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत आवश्यकता थी तो मैंने धीरे धीरे पाइपलाइन में 2009 से डालना शुरू किया तब जाके लगभग ढाई करोड़ के दो करोड़ की प्रोजेक्ट्स पास हुए हैं जो अब आने वाले सात आठ महीने में जाके मेच्योर होंगे आ, काम कंप्लीट होगा टंकियों का और लाइनिंग का तो लोकल एरिया की स्टडी करके उसका उसके हिसाब से करें ड्रेनेज का मैं नहीं कर पाया मैंने खूब लिखे हैं लेटर्स लेकिन ड्रेनेज पॉलिसी ना तो गवर्नमेंट की कोई है जब क्षणिक आवेश में आते हैं काम भागेंगे इधर उधर लेकिन पानी का ये नहीं ध्यान रखा कि ये जो द्रव्य नदी है या मनीषा नला है उस तरफ पानी का रुझान तो रहेगा ही बिकॉज नेचुरल ग्रेडियंट है उसके विपरीत करेंगे या उसके विपरीत भेजने की कोशिश करेंगे तो रिवर्स फ्लो पानी का नहीं होता लेकिन सरकारी कामकाज है उसमें जवाबदेही भी होती है एनएचआई को भी रिवर्स फ्लो करके और वापस निकालना पड़ा तो काफ़ी काम बाकी भी था अब यहाँ से पार्टी ने ठीक समझा और टिकट दूसरे को देकर मेरे को चित्तौड़ भेजा है तो चित्तौड़ तो मेरी कर्मस्थली रही है एक ही होता है कि जिस क्षेत्र में दस पंद्रह साल काम करते हो तो उनसे कार्यकर्ताओं से आत्मीयता होती है जी और उसके बाद में चित्तौड़ से मैं इधर आया तो मुझे शुरू शुरू में बड़ा कष्ट हुआ क्योंकि वो टीम जितनी भी थी वर्क करने वाली वो ग्रामीण क्षेत्र की थी उससे चेंज यहाँ पे किया अब वापस वहाँ पे किया है वहाँ पे सबको जानता हूँ लेकिन यहाँ के लोगों से भी हजारों से पर्सनल संबंध पारिवारिक संबंध हुए हैं तो वो थोड़ी सी एक फीलिंग रहती है कि ये इतना कुछ किया और अब अब ये हुआ है लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और वहाँ पर भी चंद्रबान आके हमारे So, मैंने ही तैयार किया था उनको मैंने ही मंडल अध्यक्ष उनको बनाया मैंने ही आगे उनको बढ़ाया है वो लोकल राजनीति में वहाँ पे शायद प्रदेश अध्यक्ष उनकी नहीं बनती है तो नाराज़गी है मना लेंगे इज अ वेरी नाइस अच्छे वर्कर हैं और आ, मेरे साथ दस साल काम किया है इसलिए कोई आ, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी आपने कहा आपने जब टिकट का ऐलान हुआ तो एक तरह से हैरानी थी कि आपकी टिकट वहाँ बदली आपने एक एक कंट्रोल रिएक्शन भी दिया लेकिन अब चित्तौड़ जी जी बताइए कहाँ दिय। रिएक्शन दिया दिय। कोई रिएक्शन नहीं दिया दिय। उस समय मीडिया में छपा था कि आपने दिया कुमारी को लेकर उनका आ, मुगलों से और इस तरह का स्टेटमेंट आया था हालांकि वो एक कैजुअल जैसे आप बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जी वो उसमें स्टेट्में, स्टेटमेंट कहीं नहीं दे, है स्टेटमेंट देता ही नहीं हूँ ना तो काम का देता हूँ ना ना किसी के विरोध में देता हूँ लेकिन चलिए और लेकिन वहाँ पे वो जो भी कुछ कर रहे हैं चंद्रवान आख्या जिस रूप में उन्होंने वहाँ पर बयान दिए हैं और वो कह रहे हैं एक तरह से सीपी जोशी पार्टी अध्यक्ष हैं उनके ऊपर ही एक तरह से पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पुरानी अदावत थी जब वो कांग्रेस में थे तो अब इस लेवल की वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं आप कह रहे हैं कि बातचीत से चीज़ें मैनेज होगी कैसे नहीं मुझे विश्वास है चंद्रबान बहुत अच्छा लड़का है और मैंने ही उनको तैयार करके और किया है वो पार्टी का अगेंस्ट में जाए ऐसा तो नहीं सोच सकता क्योंकि एक क्षणिक तो आवेश आता है और आना स्वाभाविक है क्यों दो साल उन्होंने मेहनत की है दो टेन्योर में लेकिन पार्टी के बिना आगे कहाँ आगे बिना पार्टी के संभव नहीं होता कोशिश करेंगे और उनको भी राइटफुली अकोमोडेट किया जाए आमतौर तो पर बीजेपी डिसिप्लिन पार्टी आ, के रूप में उसकी छवि अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन जिस तरह से टिकटों के बाद में राज और उस जगह पे रिएक्शन आया है पार्टी ने एक्शन भी लिया है ये जो रिएक्शन है उसको किस रूप में देखते हैं क्या वाकई टिकट वितरण के काम में आ, आ, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी या जो फीडबैक सिस्टम है जिस रूप में काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ है क्या लगता है देखिए मैं एक कमी देखता हूँ क्योंकि मैंने आ, 82 से रेगुलरली टिकट वितरण भी टिकटों का क्लेमेंट के लिए भी आ, आते रहे हैं तो देखा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ताकि वो अपनी बात रख दे उसके बाद में पार्टी निर्णय लेती है लेती है वो यहाँ पे एबसेंट था मीटिंग्स में बिजी हैं वो तो समझ में आता है लेकिन कोई ना कोई ऐसा बनाना चाहिए था मानिए बैनो सिंह जय शेखावत घर पे भी घर पे नहीं होंगे तो पार्टी कार्यालय में होंगे वरना अलग अलग ग्रुप्स को किसी को कहीं बुला लिया लक्ष्मी विलास बुला लिया किसी को पार्टी कार्यालय बुला लिया किसी को घर पे बुला लिया तो सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ के जो ग्रुप्स आते थे उनको बुला के उनको पेसीफाई करते थे बिकॉज उस समय पार्टी इतनी विकसित या इतनी बड़ी भी नहीं थी और इंडिविजुअली हर कार्यकर्ता को वो जानते थे इसलिए उनकी आँख की शर्म भी थी और उनके निर्देश भी मानते थे तो उन दिनों में आपने देखा होगा कहीं भी रिएक्शन एक जगह भी नहीं होता था ये रिएक्शन बेसिकली ये प्लेटफॉर्म अपने ग्रीवेंस रखने का अपनी बात रखने का दूसरे का क्या कहें मैंने खुद नहीं किसी से मैं भी नहीं बात कर सका आजकल तो मोबाइल से बात होती है मोबाइल पर करो तो स्विच ऑफ मिलेगा लैंडलाइन पे मिल कोई मिलता नहीं है तो अगर कोई मिलेगा ही नहीं मैं फाइव टाइम सिक्स टाइम मैंने लड़े हैं चुनाव पांच बार मैं विधायक रहा हूँ अगर मैं मेरे को भी ये फेस करना पड़ेगा तो चंद्रबान जी और दूसरे दूसरे कार्यकर्ता उनको तो डेफिनेटली फील तो होता ही है एंड देन आवेश में कुछ तोड़ कर दी कहीं कोई टायर जला दिया कहीं कुछ कर दिया तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है वो अगर किसी को चैनलाइज करके और उसको डिफ्यूज़ करने का मौका मिल जाता तो ऐसी स्थितियां नहीं होती फ़ोन नहीं उठाना और ये ये जो तमाम चीज़ें हैं ए, क्या ये पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा या बीजेपी के अंदर तमाम नेता हैं उस रूप में काम कर रहे नहीं इंडिविजुअल का तो मैं नहीं कहता लेकिन पार्टी कार्यालय तो फंक्शनल होना चाहिए ना बुला लें ग्रुप्स को आज इस ज़िले के आए आ जाइए भाई अलग अलग कॉन्स्टिटेंसीज के बारे में अगर आपको जानकारी है कि ये बंदा जो आ, से चोमू विधानसभा क्षेत्र का या आमेर विधानसभा क्षेत्र का नहीं है लेकिन ये क्राउड के हिसाब से इसमें आया है आमेर वाली के साथ तो आप पॉइंट आउट तो कर सकते हो और भाई आप तो उस गांव के हो यार वो तो वहाँ है थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है फिर आपको क्या कहना है बताइए बायोडेटा उनका ले लिया फिर उनका आपसे सीनियर हैं लोग और भी लोगों ने दिया है पार्टी के सामने करेंगे मैं उदाहरण देता हूं आपको जैसे महाराणा महेंद्र सिंह जी उनको ज्वाइन कराया था और इकलिंग जी के यहाँ से इकलिंग नाथ के यहाँ से या पदयात्रा निकाली थी मैं महामंत्री था उन दिनों में तो चित्तौड़ से उनको जिताया भी उनके मित्र थे विक्रम सिंह जी उनको चित्तौड़ से वो टिकट देना चाह रहे थे उन्होंने घोषणा कर दी शायद इतने वाकिफ नहीं थे क्योंकि साल डेढ़ साल का ही आ, आ, समय हुआ था तो जब वो जयपुर आए तो जयपुर आए तो पापा ने कहा कि सभी लोग बैठे थे ललित जी भी थे बाबड़ा जी भी थे रघुवीर सिंह जी कौशल भी थे कि यहाँ पे पार्टी निर्णय लेती है आज मैं बावन से इस पार्टी को हेड uh, हूँ अलग अलग दायित्वों से फिर भी मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है लेट द पार्टी डिसाइड पार्टी अगर विक्रम सिंह जी का कहती हैं वो वो आ, शक्तावत, निर्मला शक्तावत के हस्बैंड थे हस्बैंड वाइफ में अल, अलग हुए उस चक्कर में उन्होंने किया तो उन वो आ, पार्टी ने डिसाइड किया कि विजय सिंह जी झाला को टिकट देंगे और वो नाराज भी हुए लेकिन वो सामूहिक निर्णय था इसलिए पार्टी ने स्टैंड स्टैंड लिया और वो हुआ भी तो वैसे पारदर्शी अगर रहे और ग्रीवेंसेस होते हैं कार्यकर्ताओं के वो अगर कहीं ना कहीं बताने का हो न तो ये देखा नहीं पहली बार देखने को मिल रहा है इन वर्षों में ही देखने को मिला लेकिन आपने बड़ी बात की राजीव साहब की भैरव सिंह शेखावत की लेगेसी और उनकी विरासत पूर्व मंत्री इतने सीनियर नेता आप ख़ुद और अगर आप ये कह रहे हैं कि फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पाता या अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना जी बिल्कुल है तो इसका आपने ऊपर कहीं आला कमान में अपने नेतृत्व कहना, कहना था उनको बताया बताया है और ये भी बताया कि इस सिस्टम ऐसा डेवलप वापस करना चाहिए जिसमें कार्यकर्ता अपनी बात कह सके निर्णय पार्टी का है सामूहिक निर्णय होगा फाइन लेकिन कार्यकर्ता को बात कहने का अधिकार तो होना चाहिए वो है भी लेकिन कहाँ कहे क्योंकि टाइम ले के बिना जैसे तो पहुँचोगे तो अगला भी बिजी होगा मीटिंग्स में तो कोई ना कोई सिस्टम ऐसा सेट हो सकता है महामंत्री एक महामंत्री यहाँ बैठेगा या दो महामंत्री यहाँ बैठेंगे ये करेंगे इतने बजे से इतने बजे तक ये बैठेगा इतने बजे से इतने बजे तक ये बैठेगा तो जो मंत्री बनने के बाद जब जैसे डेज होते हैं वैसे डेज भी हो सकते थे क्योंकि इन दिनों में भीड़ भी ज़्यादा आती है और आ, आ, कुछ बातें आवेश में कहने वाले भी मिल जाएंगे जो नए नए जुड़े हैं वो आवेश में ज़्यादा कह जाएंगे जो ब, उनको ध्यान ही नहीं है क्या कह रहा है उसको तो धीरे धीरे हम तो कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं ना कैडर ऐसे ही थोड़ी बन जाता है बहुत बहुत मेहनत करने के बाद बनता है सोशल मीडिया पे बहुत चल रहे हैं ये डिसीजंस को लेकर और खास तौर से कुछ लोग हैं कम्युनिटी के राजपूत कम्युनिटी के वो ये कह रहे हैं कि राजपूत नेताओं की टिकटों में लगातार बदलाव हुआ है चाहे वो राजेंद्र राठौड़ हो चाहे आप हों राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो या उदयपुर से जो राज परिवार से हैं उनको ना द्वारा टिकट दिए तो फसावट वाली जो सीटें हैं वो उन नेताओं को दिया है जिनका बड़ा जनाधार था और स्पेशल कम्युनिटी के थे ये सोशल मीडिया की बातें हैं जो आपको कह रहा हूँ इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे अब पार्टी ने तो अपने अपने कैडर का सोच के और उसी हिसाब से किया है उसमें सोशल मीडिया में अलग अलग हैं कोई जा... पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन सोशल uh, प्लेटफॉर्म uh, पे बोल रहे हैं तो वो भी अपनी जगह वो उनका उनका एंगल से कह रहे हैं लेकिन uh, जातिवादी व्यवस्था या उस हिसाब से पार्टी uh, का सोच तो नहीं होता सोशल इंजीनियरिंग में अगर कमी है तो सामने आ जाएगी आखिरी सवाल चित्तौड़ कब जा रहे हैं नॉमिनेशन फाइल कैसे करेंगे क्या वहाँ के लोगों से आप मैसेज देंगे संपर्क तो सबसे है ही आज तक तो ये इसी में लग रहे थे अभी भी लग रहा हूँ रात रात को फ्री होंगे कल से बैठ के उसके बारे में विचार करेंगे मुहूर्त भी निकलवाऊँगा मुहूर्त निकाल के फिर जाऊँगा सनातनी है तो सनातनी के हिसाब से जो करना चाहिए वो करके जाऊँगा एक आपका स्टेटमेंट था आखिरी सवाल है तेईस अक्टूबर को आपने कहा था कि कुछ आ, सब लोगों से बातचीत करके फैसला लेंगे जब विद्यानगर नगर से आपका टिकट कटा था चित्तौड़ का ऐलान नहीं हुआ था उस बीच आप तेईस तारीख को यही तेईस तारीख का तो ये था ही आज का आज का और तेईस तारीख को फैसला क्या लेना जाना है यही फैसला था बट डिफ्यूज़ कैसे करोगे डिफ्यूज़ यहाँ पे एक भी हल्ला हुआ किसी ने भी नारा लगाया किसी ने भी विरोध किया या मैंने विरोध किया नहीं मैं कम से कम चौदह साल प्रदेश महामंत्री रहा हूँ कार्यकर्ताओं को कैसे डील करना चाहिए कार्यकर्ता की भावना को ठेस नहीं पहुँचे तो करते हैं मैंने कहा यही कहे कहेंगे और क्या कहेंगे निर्णय करते हैं पहले तेईस तारीख का तो करो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नरपत सिंह राजू साहब हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत कम ऐसे नेता हैं जो इस चुनावी माहौल के अंदर भी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं पार्टी के अंदर क्या बदलाव होना चाहिए खुद की टिकट को लेकर भैरव सिंह जी से जुड़ी उनकी यादें हैं तमाम बातों को पंजाब केसरी के साथ आपने शेयर किया बहुत बहुत आपका शुक्रिया और ये इंटरव्यू कैसा लगा तमाम व्यूअर्स इस वक्त जो देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपनी राय रखिए और राजीव साहब के चित्तौड़गढ़ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं विद्यादगढ़ नगर के जो कार्यकर्ता हैं उनकी राय क्या है जानना बड़ा दिलचस्प होगा कमेंट बॉक्स में इंतजार कर रहे हैं आपका सहयोगी हरिनाम सिंह कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विशाल सूर्यकांत पंजाब केसरी जयपुर